आपका हार्दिक स्वागत है। झूठ बोलने के लिए आपने कई बार देखा होगा, जब अधिकारी अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं तो उन्हें किसी मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाता है। लेकिन अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें नेताजी एक अधिकारी को माला पहनाते हुए और हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो दरअसल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी के काम में खामियां पाई गई। अब आप सोचेंगे, भला ऐसा क्यों? तो चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बुधवार को अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान गुना पहुंचे थे। यहां उन्होंने नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री जी को कई तरह की खामियां देखने को मिली, जिसका जवाब पाने के लिए मंत्री तोमर ने सीएमओ ईशांक धाकड़ से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लेकर पूछताछ की, जिसके बाद सीएमओ ने मंत्री के सामने फर्जी आंकड़े पेश कर दिए। इसके बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का पारा चढ़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखते हुए सीएमओ की गजब बेइज्जती कर दी और सीएमओ को माला पहनाई और हाथ जोड़कर कहा, झूठ बोलने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है, झूठ बोलने के लिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी के इस कारनामे की तारीफ हो रही है। मंत्री जी का कहना है कि वो गुना के प्रभारी मंत्री हैं, जिसके नाते वो आम जन से मिलने और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, ये देखने आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कमियां मिली तो मैंने इन कमियों को ठीक करने का निर्देश दिया है और साथ ही चेतावनी भी दी है। उनके लिए कलेक्टर को निर्देश दिया है और जानकारी गलत देने के लिए उनका स्वागत किया। बता दें, सीएमओ की जिस वक्त से यहां तैनाती हुई है, तभी से वो विवादों में हैं। उन पर शहर की साफ सफाई को लेकर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं, जबकि सिंधिया के करीबी और शिवराज सरकार में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर साफ सफाई को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। वो कई बार सफाई को लेकर नालियों में उतर चुके हैं, जिसकी काफी चर्चा भी होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।